Between ears of a TV tube of a certain make is a random variable t. Random variable t है and its PDF f of t is given by. उन्होंने कहा कि एक पिक्चर ट्यूब है, टीवी की जो ट्यूब्स बनाई जाती हैं उसकी लाइफ है और उसका जो उन्होंने PDF गिवन है वो PDF है 0.25 एक्सपोनेंशियली पावर माइनस 0.25 इनटू t. ये जो है ये आपको PDF गिवन है और उसकी लिमिट भी उन्होंने बता दी कि उसकी लिमिट है 0 to infinity है. तो देखें अगर इस पर गौर करें अल्फा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अल्फा इनटू टी आता है. अब इन्होंने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है. तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए जाते हैं तो देखें लिखा हुआ है कि इफ अ ट्यूब लास्ट लॉन्गर देन 2 years कि 2 साल से ज्यादा चले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लास्ट लॉन्गर देन 5 years. तो इसका मतलब है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई. यानी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये बहुत नायाब क्वेश्चंस होते हैं. तो अब इधर देखें इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे. प्रोबेबिलिटी क्योंकि यहाँ पे उसने जो है वो टी कहा हुआ है तो हम टी लिख देंगे. टी ग्रेटर देन 5 years. प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है आपको किसकी मालूम करनी है, 5 years की. और उसने कहा गिवन डैट और पहले क्या दिया हुआ है, इफ अ ट्यूब लास्ट लॉन्गर देन 2 years. याद रखिएगा इसका मतलब लास्ट लॉन्गर देन का मतलब जो आप BSc के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आप एटलीस्ट कहते हैं यानी लॉन्गर देन इधर भी है और इधर भी है तो इसका मतलब आप इसको एटलीस्ट भी कह सकते हैं. तो ग्रेटर देन का मतलब आ जाता है. तो अब आपने क्या कहा, 2 year. तो यहां पर आपने ये कर दिया. देखें उमूमन हम ये करते हैं कि जब आप इसमें जाएंगे तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाती है. यानी ऊपर आप इसको सॉल्व करते हैं और नीचे सॉल्यूशन करते हैं तब आपके पास इसका आंसर आता है. खासा लंबा हो जाता है वो काम. लेकिन याद रखिएगा जब आपके पास PDF एक्सपोनेंशियल हो, जैसे एक्सपोनेंशियल है अल्फा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अल्फा इनटू टी, आप इधर एक्स समझ लीजिए, अगर इधर एक्स होता तो इधर एक्स होता, तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई आपके पास इस तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाए कि यहां पर भी ग्रेटर देन है और यहां पर भी ग्रेटर देन है, तो याद रखिएगा अब हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन 3 मालूम कर लें. इसको सॉल्व करेंगे इसका भी वही आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे उसका भी वही आंसर आएगा. अच्छा ये प्रॉपर्टी ये देखें सिंपल मैंने यहां लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्यू मौजूद है गिवन डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन पी मौजूद है. तो बस आपने क्या करना है, क्यू में से पी को माइनस कर देना है, वो प्रोबेबिलिटी आपने मालूम कर लेनी है. ठीक है ये एक इसकी बहुत सादा सी, इसका प्रूफ भी है लेकिन वो खासा लंबा है. तो देखें अब यहां पर अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करें और इस तरह से सॉल्व करें दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. तो पहले जो है हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं आसान तरीके से तो पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है, फिर इसको हम बाद में चेक कर लेंगे कि इसका आंसर यही आता है या नहीं आता. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन 3, तो अब आप देखेंगे इधर कि यहां तो 3 हो गया, ग्रेटर देन 3 अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट इसकी इन्फिनिटी होगी. तो आपने क्या किया इधर इन्फिनिटी रख दिया और साथ में क्या करेंगे इस फंक्शन को उठा के इधर रख देंगे 0.25 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 0.25 इंटू टी और यह आ गया dt. अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दें तो आपको ये भी पता है कि इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, पावर को नीचे लाके डिफरेंशिएट कर देते हैं और लिमिट अप्लाई कर दीजिए. तो देखें अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये 0.25 तो ये है, ये जो कांस्टेंट है इससे इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल हो गया, पावर को नीचे लाके डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1. अब आप इधर क्या करें लिमिट अप्लाई कर दीजिए 3 और इन्फिनिटी. देखिए अगर मैं इधर लिमिट अप्लाई करता हूं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 0.25 से 0.25 कैंसिल हो गया माइनस और ये आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 0.25 और टी की जगह आप इन्फिनिटी रख दीजिए माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर ये माइनस 0.25 और इसकी जगह 3 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी, याद रखिएगा इन्फिनिटी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है इन्फिनिटी होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो वो 0 के बराबर होता है. ये आपने याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है. तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस जब अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 0.25 इंटू 3.
अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो 0.75 बन जाता है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर -0.75। इससे अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं कि एक्सपोनेंशियल की पावर 0.75 तो ये बनता है 0.4723। क्या बन जाएगा? 0.4723। ये इसका आंसर आ गया आपके पास। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें ये इस तरह से सॉल्व कर लिया जाता है कि आप इसमें से इसको माइनस करें और डायरेक्टली इसे सॉल्व कर दें। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है? सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में पीडीएफ गिवन हो, तो ये प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी, वही आंसर आता है। अगर मैं इस वाले मेथड से इसे सॉल्व करूं, यानी इसको समझ लें दूसरा मेथड है, अगर इसको आप भूल जाइए। अब इसको देखिए, अगर इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करूंगा। देखें ये जो है गिवन डैट है, तो गिवन डैट के अंदर तो डिवीजन की फॉर्म में आ जाता है। यहां लिखा हुआ है 5 और ऊपर कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अब 0.25 एक्सपोनेंशियल की पावर -0.25 इंटू टी। अब ये जो गिवन डैट है इसको भी सॉल्व करना है, 2 और इन्फिनिटी। 0.25 एक्सपोनेंशियल की पावर -0.25 इंटू टी। देखें इन दोनों को आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे और फिर डिवाइड करवाएंगे। इस ऊपर वाले हिस्से को भी इंटीग्रेट करें, नीचे वाले हिस्से को भी इंटीग्रेट करें और फिर डिवाइड करा दें, तो उसका भी आंसर सेम आएगा, लेकिन ये काफी लंबा हो जाएगा काम। और ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के तहत कर सकते हैं। इसको करके देख लें। अब देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आ जाएगा? वही आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर -0.25, ऊपर वाला काम इंटू टी, और ये 0.25 ये रहा और 0.25 माइनस का, ये तो इससे कैंसिल हो गया। ऊपर लिमिट रख दीजिएगा 5 से इन्फिनिटी। अब ये डिवीजन के नीचे वाला काम है, डिवीजन के नीचे वाला काम है, इसे भी इसी तरीके से आपने करना है। 0.25 ये वाला मौजूद है, एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट किया -0.25 इंटू टी और माइनस का 0.5 इंटू टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, और लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो गया। अपर लिमिट रखें इधर टी की जगह तो इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखें तो ये 0.5 इंटू 5 हो जाएगा। यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर भी अपर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट रखेंगे तो इंटू 2 है, ये 2 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर -0.25 इंटू 5 और एक्सपोनेंशियल की पावर -0.25 इंटू 2। तो इसे आप सॉल्व करके देख लीजिए, वही एक्सपोनेंशियल की पावर -0.25 इंटू 3, तो देखिए इसका वही आंसर आएगा या नहीं आएगा, 0.4723। तो ये दोनों तरीके थे, चाहे आप इस वाले मेथड को फॉलो करें, इसमें ऊपर नीचे आपको डिवाइड करके सॉल्व करना होगा, और इसमें आपने जस्ट प्रॉपर्टी लगानी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस मेथड को फॉलो करें या इसको फॉलो करें, ये कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल के ही लिए हो सकता है इस प्रॉपर्टी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।